मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। कभी कैंसर, कभी उनके बाल बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कितना बड़ा जुल्म होता है, लोग समझते नहीं है। अब हमने इतना बड़ा कदम उठाया है, कितने पत्रकारों ने, कितने लेखकों ने उस पर लेख लिखे भाई, कितने लोगों ने पब्लिक को एजुकेट किया। आप हम लोगों की ड्यूटी है जो हम निभा रहे हैं, आपकी ड्यूटी आप निभाओ। उसमें मैं कमी महसूस करता इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। ये तो आपका चौथा स्तंभ, आप जानो आपको क्या करना। पर मैं बड़ी भूमिका होती थी राइटअप लिखने के अंदर भी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भूमिका में हमारे जो बिरादरी पत्रकारों की है वही हमारे भाई बंदी है। राजनीति की तरह वो भी जिंदगी लगाते हैं इसके अंदर। साहित्यकार लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में बदलाव लाने की। तो मेरा मतलब है कि चिरंजीवी योजना हमारी चिरंजीवी योजना है, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आप 10 लाख का बीमा अलग करो और फिर किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई और 10-15 लाख लग रहे हैं तो इस सरकार पूरा खर्च उठा के उसका फ्री इलाज कर रही है, फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रही है। ओबामा केयर लागू हुआ था वहाँ अमेरिका में, वही फेल हो गया। तो इतना बड़ा कदम हमने उठाया राजस्थान सरकार ने, जो कि पूरे देश के अंदर राजस्थान सिरमौर बना इसके अंदर, उस पर बात करनी चाहिए। ओपीएस के लिए आलोचना कर रहे हैं हमारे इन नीति आयोग वाले, उनको पूछो आज देश के अंदर आप सब तो सिक्योरिटी चाहते हो जिंदगी की। आर्मी को तो दिया आपने ओपीएस रखा, और बीएसएफ को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका आपने एनपीएस में कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसी प्रकार से सबकी जिंदगी में जो 35 साल निकलते हैं लगभग सरकार में, वो एक प्रकार से उम्मीद करता है कि बुढ़ापे के अंदर कम से कम मेरी सिक्योरिटी रहेगी। वो सिक्योरिटी हमने दी है माननीय दृष्टिकोण से, और बिना मांगे भी दी है। कोई कर्मचारी नेता ने मांग भी नहीं करी कि हमें ये ओपीएस करो। ये झारखंड नगर की है, हम मोदी कहते हैं आप पूरे देश में लागू करवाओ, केंद्र में भी राज्यों के अंदर भी, आज इनको करनी पड़ेगी सर। 2023 से पहले है बिल्कुल, और निस्सजनों को मेरी मांग है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप एक पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी बनाओ देश के अंदर। पूरे देश में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका हो उसके अंदर, फिर जैसे आपने और राज्यों में कर रखा और स्कीमों का रखा है सीएसएस की तरह 60-40 का रखा है आपने, जेजेएम में हमने 50-50 भी कर रखा है, तो उसी प्रकार 60-40 लाओ उसको राज्यों के सभी और केंद्र के सब। आज देश में सोशल सिक्योरिटी दुनिया के विकसित राष्ट्रों में है, यहाँ क्यों नहीं हो, हम भी उसमें हिस्सा देंगे आपको, तो कंफर्टेबल पैसा मिलेगा उनको। अभी 750 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, केंद्र देते 200 रुपये, 200 रुपये देती है वो भी कैप लगा के 15 तक ही देंगे 1 करोड़ लोगों को। कहने बहुत गलत है, ओपीएस हो गई चिरे उसने, ये मौका उनके लिए उसपे जो गरीब आदमी वही जाएगा वहां काम करने के लिए, पर 100 दिन की गारंटी मिल गई तो भूखा नहीं मरेगा आदमी। हमने कोरोना के अंदर 35 लाख लोगों को ढूंढवाया जो रात को सो जाते हैं, रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं, बस स्टेशन में सो जाते हैं, ठेले बंद हो गए थे क्योंकि सब कोविड में लॉकडाउन हो गया था, उन सबको 35 लाख लोगों को हमने 5,500 रुपये दिए, एक बार 1,500 रुपये और 4 बार 1,000 रुपये दिए, तो कम से कम कोरोना पीरियड का टाइम निकल गया। मतलब तो ये सरकार की सोच हमारी है। इस योजना पर चुनाव लड़ा जा रहा है और ये तमाम सोशल सिक्योरिटी पर बात हो रही है, लेकिन एक दो बयान ऐसे आते हैं, आपने पिछली बार भी जब गुजरात के प्रभारी थे तो एक बयान जो है पूरे कांग्रेस का चुनाव परिणाम को प्रभावित कर देता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को वो किया जा रहा है, जवाब मैं गुजरात में दूंगा। एक एक सवाल है, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मीडिया की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से जिंदगी को राजनेता जनता के बीच में खपाता है, उसी तरीके से मीडिया कर्मी भी अपने जीवन को जनता के बीच में खपाते हैं। ऐसे में सरकार की बड़ी योजनाओं का जिक्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना का जिक्र किया, लेकिन जब हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने उनसे सवाल किया कि एक बयान चुनाव को कांग्रेस हरवाने में मदद करता है, और ऐसा ही एक बयान अब गुजरात में दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी को रावण कहा गया, तो मुख्यमंत्री ने सहसा से कहा कि इसका जवाब गुजरात में दिया जाएगा, क्योंकि बयान गुजरात में दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर हैं, लेकिन यहां वो आए हैं बीकानेर में मेगा जॉब फेयर के अवलोकन के लिए। आज मेगा जॉब फेयर का दूसरा दिन, और उसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा सरदार शहर में बाई इलेक्शन, वहां भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वहां से क्या संदेश वो जनता को देते हैं और सियासी गलियारों को देते हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से मेगा जॉब फेयर में पहुंच जाएंगे। विभिन्न कंपनियां पहुंची हैं जिनके साथ बेरोजगारों के MOU साइन हो रहे हैं, और जिनको सबसे अच्छे ऑफर मिलेंगे उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों ऑफर लेटर दिलाए जाएंगे।